सर्दी बहुत ज़्यादा है और अब हम पहुंच चुके हैं 4x4 और जीप का सफ़र करने के बाद बबून वैली पर। तो सर्दी बहुत है, आप देख सकते होंगे कि कुछ कुछ धुआं आपको नज़र आ रहा होगा मेरे मुंह से निकलता हुआ। और इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, कश्मीर जन्नत ही है और जन्नत से किसी कम का हिस्सा नहीं। इस वक्त हम बबून वैली में मौजूद हैं। बबून वैली किस कदर खूबसूरत है आप देखें, जो आप आसमानों की तरफ देखते हैं ना कि खूबसूरत से बादल और खूबसूरत से हरे भरे दरख्त, खूबसूरत से पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बर्फ़ उड़े हुए पहाड़, ये वही जगह है जहां हम फाइनली पहुंच गए हैं। और ये एक खूबसूरत तरीन जगह है। और वैसे मंथ का बहुत इम्पोर्टेंट करेक्टर रोल होता है कि आप किस महीने में इस जगह का सफ़र तय करते हैं। जैसे कि अभी हम जिस मंथ में आए हैं, इस महीने में जो बबून वैली है, ये बर्फ़ ओढ़े मौजूद है और वेलकम कर रही है तमाम सयाह को। आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग यहाँ पर इंजॉय करते नज़र आते हैं। ये जो वैली है, ये नीचे आपको सारा घास और पत्थर और ये आबशार का एक पानी बहता हुआ नज़र आएगा जो कि ये वैली है। और यहाँ पर ये लकड़ी के जो दरख्त हैं, इन्हें ही जलाया जाता है ताकि जो है वो कुछ तपिश रहे बरकरार। और इस जानेब अगर देखें तो खूबसूरत से जंगलों के पीछे वो पहाड़ है जिसे बबून वैली टॉप या बबून टॉप कहा जाता है। ये नीचे बबून वैली है, ऊपर बबून टॉप है। वो आप देख सकते हैं दूर बड़े से पहाड़ हैं, अगर उस पर क्लिक किया जाए तो थोड़ा सा क्लियर वाली होगा कि वाइट कलर के खूबसूरत से बर्फोड़े पहाड़ हैं। ये सब वही रास्ता है और इस जानेब ये पहाड़ जो है वो यहाँ तक बर्फोड़े मौजूद है। रास्ता इंतहाई तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ख़तरनाक है। मतलब इस पूरे कश्मीर के ट्रिप पर मुझे फ़र्स्ट टाइम जो है आज जीप में बैठने का मौका मिला, 4x4 में बैठने का मौका मिला। वो इसीलिए क्योंकि हम जहाँ पर स्टे कर रहे थे केरन में, तो केरन में हमने जब रात गुजारी तो हमें सुबह में बबून वैली ही आना था। तो 4x4 हमने हायर की और उसमें हम सारे दोस्त या अहबाब जो है उसमें लोड होकर बैठ कर आ गए। रास्ता ख़तरनाक था और किस कदर ख़तरनाक था, आगे की वीडियो भी मैंने बनाई है फ्रंट में बैठ के, तो वो भी मैं आपसे शेयर करी है मैंने आपसे। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद जो मनाज़िर है वो इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ पर लोग बर्फ़ से खेलते नज़र आते हैं, इंजॉय करते नज़र आते हैं, सेल्फीज़ बनाते हैं। और अभी मैं देखूँगा कि शायद यहाँ पे कुछ चाय, कुछ समोसे, कुछ पकोड़े भी मिल जाए तो मज़ा जो है एकदम दुबाला हो जाएगा। थोड़ा सा आगे भी चल के आपको दिखाते हैं कि व्यू जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर लोग जो है वो बबून वैली आ रहे हैं। ये देखें आप, ये आबशार का पानी जो है वो बहता हुआ आ रहा है और मीठा पानी होता है, ठंडा पानी होता है। इससे वजू करने की, हाथ डाल के मुँह धोने की कोशिश मत करिएगा। और मैंने बेसिकली जैकेट, अपर वगैरह, हुडी इस्तेमाल ज़रूर की है, लेकिन आज जो मैं वेयरिंग करके आया हूँ ख़ास तौर पर इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्लू सा टच देना था। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ ब्लू और ग्रे ही कंट्रास्ट किया हुआ है। ऊपर से नीचे तक दिखाएँ, सही लग रहा हूँ मैं और इसके साथ साथ जो है सांस थोड़ी थोड़ी सी फूल नहीं जाती, लेकिन सांस थोड़ी थोड़ी सी टूट ज़रूर जाती है क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन का थोड़ा सा इशू ज़रूर रहता है। जब आप चल कर ऊँचाई की जानेब जा रहे होते हैं तो कुछ मज़ा अलग ही होता है। अगर उस जानेब दिखाएँ थोड़ा सा ज़ूम करके तो बहुत ज़्यादा अच्छे मनाज़िर हैं, लोग वहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त के लिए इतना ही, और ख़ूबसूरत पानी और झरने के साथ साथ हम फ़िलहाल सफ़र यहीं तक रखते हैं क्योंकि मुझे भी इंजॉय करना है, मैं भी जा रहा हूँ इंजॉय करने। और आप वीडियो देख के ज़रूर लाइक्स, कमेंट, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि कितनी अच्छी वीडियो है। थैंक यू। कहना चाहेंगी आंटी, कितना एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर्दी है मगर गैदरिंग अच्छी है, लोग अच्छे हैं।